इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा शाहरुख सर का ये डायलॉग कि हमें क्या कह रहा है। तो मैं बात करने वाला हूँ 7 ऐसे टिप्स के बारे में जो मैथ में आपको 100 out of 100 स्कोर लाएंगे तब जब आप पूरे शिद्दत से करना चाहोगे तब, वरना कोई माइकल लाल तुम्हें बचा नहीं पाएगा भाई, मैथ से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है क्या कि आप जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ के, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ऐड हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड स्टेप के बारे में। रट्टा मत मारो भाई, रट्टा मत मारो बेटे, रट्टा मारोगे तो एक दिन तो इज्जत बचा लोगे लेकिन आने वाले समय में हमेशा क्या करोगे, अपना इज्जत लुटाते रहोगे। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, तो तुम्हें देख लेना है बेटा कि इज्जत बचानी है एक समय के लिए या पूरे जीवन भर के लिए। तो बिल्कुल रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद देखो मैथ चुटकी में बचेंगे भाई, चुटकी में बचेंगे, चुटकी में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर को बीच में ना छोड़, बीच में ना छोड़, है ना, बीच में ना बोल, वही पता, बीच में ना छोड़। बीच में छोड़ने का मतलब क्या होता क्या है ना कि बच्चे क्या होते डर के मारे क्या करते हैं, मैथ बीच में छोड़ते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं रहते हो। जब इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो क्या होगा, बनेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि मैथ जब भी शुरुआत करो तो उसे बनाने का प्रयास करो, अपने आप को डेडिकेट करो उसके प्रति, तभी मैथ क्या होगा तुम्हारा दोस्त बनेगा। मैथ को अपना दोस्त बनाओ, उसे तुम अपना दुश्मन मत समझो, ठीक ना। मैथ बहुत ही प्यारा दोस्त, मैं बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ के बारे में, ये है पहाड़ियर फॉर्मूले। बच्चे कहते हैं कि सर मुझे मैथ नहीं बनते हैं, ये नहीं बनता है। यार तेरे को मैथ कैसे बनेगा, तुम्हें 20 तक पहाड़ा याद नहीं है, तुम्हें 20 तक टेबल याद नहीं है, कहाँ से बनेगा, फॉर्मूले याद नहीं है, A+B का होल स्क्वायर याद नहीं है, कहाँ से बनेगा। सबसे पहले दिमाग में रखो कि मुझे क्या करना है, सारे फॉर्मूले और खासकर पहाड़ा आपको याद करने हैं, पहाड़े खासकर याद करने हैं आपको, चाहे वर्ग हो चाहे वर्गमूल हो, जितने सारे हो सबको बिल्कुल रट मारना है। इसी को रट मारो तब जाकर फायदा करेगा, इसके रटना है, कोई और चीज़ मत रटो, ठीक है। रटो ऐसा चीज़ जो काम है, ठीक है, ये दिमाग में बिल्कुल रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 5 टिप्स के बारे में, ये है रूटीन। पहले तो जैसे अपने भोजन में चावल रोटी जैसे खाते हो ना, दाल खाते हो, उसी प्रकार अपने पढ़ने के रूटीन में मैथ को घुसेड़ दो, मैं बता रहा हूँ रियली। फिर देख तेरा क्या होता है, तेरा रिजल्ट का क्या होता है वो देख तू, है ना। पहले तो अपने डेली रूटीन में मैथ को बिल्कुल शामिल कर दो, फिर देखो रिजल्ट का धमाल। चलिए बात करते हैं 6, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था, ग्रुप स्टडी। भाई ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है, चाहे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे 10th बोर्ड की, 12th बोर्ड की, कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, आपको ग्रुप स्टडी करना होगा। ग्रुप स्टडी करने से मैं रियली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जहाँ आप टीचर्स नहीं बेनिफिट ले सकते वहाँ भी ग्रुप स्टडी से बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपके बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से क्या किया जाता है, सॉल्व किए जाते हैं, वो भी आपके दोस्तों के द्वारा, जो कि आसानी से समझ में आ जाता है। तो बहुत 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 जरूरी है, ध्यान दें, कोरोना का टाइम है इसलिए ग्रुप थोड़ा सा छोटा बनाएं और सेफ रहें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 7 टिप्स, ये क्या है, 1 math = 7 टाइम्स रिविजन, ये करो भाई तब देखो, वरना जिंदगी झंड है, ठीक है। तो क्या करो, चुपचाप एक ही मैथ को 2 बार 4 बार 5 बार रिविजन करो, फिर देखो रिजल्ट बेहतर ही आएगा, ठीक है।